हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 10th ऑफ मई और मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ आज। वेलकम टू माय चैनल स्माइल विद शताब्दी एंड आई एम शताब्दी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं अपने घरों पे। अभी बज रहा है मॉर्निंग 10 o'clock। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ आप मेरा वीडियो जो है वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा है उसके सामने देखिएगा एक बेल बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको मेरी हर एक वीडियो जब मैं डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिएगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी ज़्यादा धूप है बाहर, जो कि 10 बज चुका है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर। घर पे भी ऐसा लगता है कि गर्मी जो है वो बढ़ते जा रहा है। बस चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं जो कि संडे है, तो वैसे तो संडे मंडे कुछ अभी पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज लेट उठे हैं। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट कुछ लाने सामने ही। मैं चलती हूँ किचन ब्रेकफास्ट बनाने और आप मेरे साथ ही रहिए, वीडियो एंजॉय कीजिए। चलिए फिर किचन चलते हैं। हे फ्रेंड्स, देखिए मैं सूजी का उपमा जो है वो रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। मैं यहाँ पे दो लोगों के लिए उपमा बना रही हूँ। ये सूजी का उपमा है। इस तरफ मैंने पानी गर्म करने रख दिया है क्योंकि ठंडा पानी अगर मैं उपमा में डालूँगी तो उसका टेस्ट वैसा नहीं होगा, तो इसीलिए गर्म पानी एक तरफ बिठा दिया है, वो गर्म हो रहा है। अभी मैं सूजी को थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ और पानी दे दूँगी उसके बाद। मैंने यहाँ पे प्याज थोड़ी सी कॉलीफ्लावर मतलब आपका गोभी और मटर दिया है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जी दे सकते हैं इसमें। उसको फ्राई करने के बाद मैंने उपमा डाल के थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी से उसको भून लिया है। फिर मैंने इस तरफ जो गर्म पानी बैठाया था वो गर्म पानी इसमें डाल दिया है। अभी ये सूख लेगा जो है, सूजी जो है वो पानी सूख लेगा। सूखने के बाद ही ये मेरा उपमा जो है वो रेडी हो जाएगा। हे गाइस, अभी मैं किचन पे आ गई हूँ। लंच के लिए मैं बनाने जा रही हूँ अभी आलू गोभी की जो भाजी होती है या फिर भुजिया कहते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे मैंने दो आलू लिया है मैंने, और गोभी जो है वो मैंने पहले ही काट के रख दिया है। ये आलू को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। इसको मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जब भी ये भाजी काइंड ऑफ ड्राई काइंड ऑफ सब्जी बनाऊँ, जैसे कि आलू भुजिया या फिर कुछ भी, जैसे भिंडी की भाजी या फिर बैंगन आलू की भाजी है ना, उसमें ट्राई करती हूँ कि प्याज दे पाऊँ, मैं प्याज दूँ उसमें, क्योंकि मुझे प्याज देख के जो भजिया फ्राई होता है उसको खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। और हमारे घर में भी सब भी वही खाते हैं प्याज से बना हुआ जो भजिया होता है, या फिर कोई जो है सिर्फ जो ब्लैक काली जीरा अनियन सीड्स होते हैं ना, उससे भी भाजियाँ तलते हैं या फिर भाजी करते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू को अभी मेरा ऑलमोस्ट आलू काटना जो है वो डन हो चुका है। मैंने छोटे छोटे पीसेस पे काट लिया है। अभी आलू जो है आप ज़्यादा देर काट के ऐसे ही नहीं रख सकते, तो वो ना काली हो जाती है, मतलब काला होना शुरू हो जाता है उसका, तो रंग बदलता है, ब्राउनिश कलर आ जाता है, तो वो ना हो इसीलिए मैं क्या करूँगी, अभी थोड़े से पानी में इसको आलू को जो मैंने कट कर लिया है उसको मैं भिगो के रख दूँगी। ये देखिए मैंने पतीला ले लिया है एक,
इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के आलू जो मैंने कट कर लिया है उसको मैं भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तब तक ये आलू भिगा रहे तब तक मैं जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं प्याज काटूँगी। मैं यहाँ पे एक ही प्याज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम मैं यहाँ पे दो लोगों के लिए जो है खाना बना रही हूँ। बस एक ही प्याज से ये भाजी जो है वो मेरा हो जाएगा। इसको मैं अभी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। हे गाइस, अभी मैं आलू गोभी का जो भजिया है वो तलने जा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलिए। मैंने अपना गैस पे जो कढ़ाई है वो चढ़ा दिया है। अभी मैं सरसों का तेल जो है वो थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से डाल रही हूँ। हमें वेट करना पड़ेगा कि तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। बस तब तक मैं अपना मसाला का डब्बा जो है वो निकाल लेती हूँ। तेल लगभग गरम हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो काली जीरा कहते हैं या फिर अनियन सीड्स इन इंग्लिश, बस थोड़ा सा इसे देना है गरम तेल में। जब तक ये चटक जाए तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी जो है मैं अपना किचन का पर्दा जो है वो खींच दे रही हूँ क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा था और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, इसी वजह से मैंने मेरा अभी जो अनियन सीड्स है वो चटक गया है। अभी मैं प्याज जो मैंने कट करके रखा था वो मैं दे रही हूँ, बस प्याज तल जाए तब तक वेट करेंगे। हे गाइस, देखिए मैंने यहाँ पे प्याज जो है वो मैंने डाल दिया था, तो अभी प्याज को मैं थोड़ा सी फ्राई कर ले रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा प्याज, हल्का सा गोल्डन ब्राउन, तो और थोड़ा क्रंचीपन रहेगा तो अच्छा भी लगता है क्योंकि हम करी तो नहीं बना रहे हैं, इसीलिए जस्ट भजिया तल रहे हैं, भाजी बना रहे हैं। अभी मेरा प्याज तलना हो चुका है, वो गोल्डन ब्राउन हो गया था मेरा प्याज। अभी मैंने जो वो आलू कट करके रखा था मैंने पानी में भिगो के रखा था, मैंने आपको दिखाया था, तो वही बस मैं डाल रही हूँ। बहुत इजी सिंपल सा एक भाजी है जो आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी, अगर दाल खाते हो आप तो दाल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। जस्ट आपके साथ शेयर करना है इसी वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। आलू को मैं प्याज के साथ थोड़ा सा तल लूँगी अच्छी तरह। हे गाइस, अभी जो है मैं गोभी जो मैंने कट करके रखा था वही मैं डाल रही हूँ। गोभी को मैं आलू के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और हल्का सा नमक और हल्दी पाउडर दे के थोड़ी अच्छी तरह ढक के मैं फ्राई कर लूँगी, जो कि इसका जो कच्चापन रहे वो बस पक जाए अच्छी तरह, कच्चापन ना रहे। बस उसके बाद मैं सर्व कर दूँगी। तो गाइस, मेरा नहाना हो चुका है, अभी घर पे हो रहा है 1:00। आज थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है। मेरा लंच प्रिपरेशन हो चुका है, अभी मैं नहा के आई हूँ। अभी मैं चलती हूँ पूजा देने, तो मैं पूजा दे के आऊँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं अपना पूजा दे चुकी हूँ, वो मैंने आपके साथ आज शेयर नहीं किया है। बस मैं अभी प्रे कर रही हूँ, बस हो गया मेरा।
पूजा देना हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 2:45 एंड लंच तो मेरा बनाना हो चुका है। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने, वो नहा के आए, उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। आप लोगों ने आज लंच में क्या प्रिपेयर किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स अबाउट द टेम्परेचर इज हायर एंड इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लॉकडाउन की वजह से जो टेम्परेचर है ना वो उतना अभी इट्स मे राइट नाउ, जैसे कि पिछले साल या फिर हम लोगों ने जितने साल जो है देखा है कि मई महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा, इट्स लाइक कहीं कहीं तो लू भी चलता है मई महीने में। लेकिन इस साल लॉकडाउन के वजह से मैंने ये देखा है कि टेम्परेचर जो है वो वैसा, हाँ गर्मी तो है लेकिन वैसा वो हाई वाला टेम्परेचर है नहीं अभी अभी भी जो कि मई महीने में हम लोगों को मिलता है जनरली, बिकॉज पॉल्यूशन नहीं है, गाड़ी वगैरह उतना मतलब सब बंद ही है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत जो है वो कार्स, पर्सनल कार या फिर बसेस थोड़ा बहुत चल रहा है फॉर पब्लिक नेसेसिटी, लेकिन वैसा तो पॉल्यूशन है नहीं अभी, तो पॉल्यूशन जो अभी नहीं है तो इस वजह से हम चिड़िया का चहकना, सुबह उठोगे तो आपको चिड़िया का चहकना, फिर बहुत धुंधली सी एक वातावरण आपको फील करोगे आप, और टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत अभी ठीक है, वैसा गर्मी है नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है। सो फॉर दैट अभी पता नहीं क्या होने वाला है अगले कुछ महीनों में, आई डोंट हैव एनी क्लू, लेकिन आई प्रे कि जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए और लोग है ना जो डिप्रेस्ड हो चुके हैं, घर पे बैठे हुए बोर हो चुके हैं, काम नहीं हो रहा है, बहुत कुछ इश्यूज है लाइफ में, सभी के लाइफ में बहुत सारा इश्यूज चल रहा है, वो ठीक हो जाए, आई प्रे कि बहुत जल्द ठीक हो जाए। और ये है लंच का मेनू आज, ये है आम की चटनी, फिर भाजी तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये है मछली और आलू की झोल, और ये है खट्टा दाल जो कि आम से बना हुआ है, ये है आज हमारा लंच। तो गाइस मैंने लंच कर लिया है अभी, अभी घर पे हो रहा है 2:30 PM, अभी मैं खाऊंगी दही लेकिन खट्टा नहीं, आज मैं खाऊंगी मीठा वाला दही, ओके। मैं टेक्सचर आपको दिखाती हूँ दही का। हे गाइस ये है दही मीठा वाला, जनरली हम खट्टा दही खाते हैं ज़्यादातर, आज पता नहीं मेरे हस्बैंड मीठा दही लेके आए हैं, तो अभी टेस्ट करके जानूंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स करने बैठी हूँ, खाना हो गया, सब कुछ समेटना हो गया, एवरीथिंग इज डन, अभी थोड़ा सा रेस्ट। और कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा था जो मैंने फोल्डिंग नहीं किया था, वो मैंने फोल्ड करके अच्छी तरह रख दिया है, अभी थोड़ा सा काम कम है, वैसे भी आफ्टरनून के टाइम वैसा कुछ काम होता नहीं है। आप लोग बताओ कि आज लंच में आप लोगों ने क्या खाया, क्या मेन्यू था आज के लिए। वैसे तो अभी सैटरडे संडे, आज वैसे संडे है तो, बट नाउडेज ये लॉकडाउन के पीरियड में है ना, सैटरडे संडे मंडे सब एक ही जैसा लगता है, ये तो पूरा एक ही जैसा है। बस अभी ऐसे बैठे हैं और आप लोगों को मैं मेरी फेवरेट दो लोगों से मिलाना चाहती हूँ, ओके। ये दो फेवरेट लोग हैं जिनसे आप लोग मिले नहीं हो मेरे प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में
मैं आपसे उन लोगों की मुलाकात करवाती हूँ, ठीक है? चलिए, सो गाइस दे आर हियर, ये एंड द स्मॉल छोटू वाला, ये पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है लूनाई। इसका नाम लूनाई है एंड ये यहाँ रहते हैं। इनका अपना एक बेड है तो वो आराम से अपने बेड में ही रहते हैं हमेशा। कि संडे है, इट्स 10th of May। ऐसा होता था ना पहले लॉकडाउन के पहले कि संडे को जल्दी जल्दी सब करते थे, जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म करके एंड हम लोग बाहर जाते थे कहीं, या तो शॉपिंग या मूवीज या कहीं घूमने। संडे का एक अलग प्लानिंग रहता था, या किसी फ्रेंड्स के साथ कैच आउट कर लेते थे, है ऐसा होता था। तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में ये तो ये सब तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। दो महीनों से आप लोगों को कैसा फीलिंग हो रहा है इस वजह से बताइएगा, क्योंकि मुझे भी कभी ऐसा लगता, अभी तो चलिए हैबिट ही हो चुका है मुझे, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कहीं जाऊँ या कहीं घूम के आऊँ और अच्छा नहीं लग रहा ये वो। हाँ पहले होता था, पहले इनिशियली टू टू थ्री वीक्स में इनिशियली बहुत ऐसा, मतलब संडे सैटरडे आने से ऐसा लगता था कि ओफ निकल नहीं पा रहे हैं, अभी निकला नहीं जा रहा है वगैरह वगैरह, ये 2 to 3 weeks में होता था। बट अभी ऐसा हो गया ना कि ये तो यूज टू है, ये एवरीडे ये ऐसा ही हो रहा है। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे सब एक ही जैसा आ रहा है। वो एक चाह होता है ना लोगों का, वो चाह ही खत्म हो गया है, पता आपको? मतलब अभी कोई वैसा इंटरेस्ट रहा नहीं मेरे में। आई डोंट नो लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, बट मैं अपना बोल रही हूँ कि मैं मतलब मैं अपनी तरफ से ना, मुझे वो इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है अभी तो, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है अभी। अगर कुछ वजह से अगर मुझे निकलना भी हो कि कुछ चीज़ लाना है घर का, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ख़त्म हो चुका है, राशन का हो या फिर कुछ भी हो, अगर कुछ ख़त्म हो चुका है देन फिर भी मुझे ना लगता है कि उफ निकलूँ, निकल के लेके आऊँ, अब क्या करें, निकलना तो पड़ेगा। अगर असेंशियल कुछ चीज़ आपका ख़त्म हो चुका है देन, अगर कोई बिजी है देन आपको ही निकलना पड़ेगा। अगर आप दो लोग हो, एक अगर बिजी है तो आपको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, ऐसा होता ही। हे गाइस, अभी शाम हो चुकी है, मैं बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ संध्या आरती देने, संध्या पूजा वो करने जा रही हूँ, और मैं भी वही बोल रही थी आपको। तो ठीक है, अभी शाम के 5:30 हो चुका है, शाम हो चुकी है पूरी, और से अंधेरा छा चुका है। तो संध्या आरती करके मैं आती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। हे गाइस, अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो शाम हो चुका है। आज मैं सारा दिन आपके साथ थी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है? आप मुझे कमेंट करोगे तो आपके कमेंट के द्वारा मैं आपकी व्यूज़ जान पाऊँगी। आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आया है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के सामने एक बेल आइकन होता है, काइंडली वो बेल आइकन आप प्रेस कीजिएगा, तो मैं जब भी वीडियो डालूँगी आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलूँगी आपके साथ। बाय, टिल देन टेक केयर, हैव ए वेरी ग्रेट इवनिंग, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, हेल्दी रहिए। लव यू गाइस, बाय।